ये पिछली वीडियो में हमने किया था बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो इस वीडियो में हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, डेफ कन्वर्ट नंबर, सॉरी डेफ कन्वर्ट नंबर ऑक्टल डिजिट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, काउंट इज इक्वल्स टू वन, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और पोजिशन भी हमारे पास आगे ज़ीरो, और ऑक्टल एरे इज इक्वल्स टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 32। वाइल से वाइल लूप लगा देंगे, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डिजिट इज इक्वल्स टू नम एम परसेंट 10 ऑक्टल डिजिट प्लस इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाई बाय पो, की वैल्यू हम दे देंगे 2, i और i प्लस इज इक्वल्स टू 1 नंबर इज इक्वल्स टू 10 जी। हम लिख लेंगे अपना ऑक्टल एरे पोजिशन इज इक्वल्स टू ऑक्टल डिजिट। इफ काउंट एम परसेंट 3 इक्वल टू इज इक्वल्स टू 0 और हम ले लेंगे अपना ऑक्टल डिजिट इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0, पोजिशन आ जाएगी प्लस इज इक्वल्स टू 1, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1 फॉर लूप हम डालें जिसमें जे इन रेंज आ जे इन रेंज पोजिशन माइनस वन प्रिंट हम करवा लेंगे ऑक्टल एरे। जे और एंड इज इक्वल्स टू सिंपल बाइनरी वैल्यू हम इसमें दे देते हैं, बाइनरी वैल्यू हम अपनी दे देते हैं 1010 और कन्वर्ट कर लेते हैं हम बाइनरी को। ये हमने अपना कोड लिख लिया, अब हम इसको रन करते हैं। ऑक्टल डिजिट इसमें सॉरी हमने स्पेस दे दी इसलिए इसने एरर दे दिया। हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा कोड रन हो चुका है और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 12। कोड को समझ लेते हैं, डेफ कन्वर्ट किया हमने अपने नंबर, ऑक्टल डिजिट 0 दिए और काउंट हमने 1 दिए, आई इज इक्वल टू 0 अगर पोजिशन 0, ऑक्टल इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 32 कर दिया, एक वाइल लूप लगाए जिसमें डिजिट एम इज इक्वल टू नंबर एम परसेंट 10 कर दिया और ऑक्टल प्लस इज इक्वल टू डिजिट मल्टीप्लाई बाई 4, पो की वैल्यू 2 और आई दे दी, आई है हमारे पास प्लस इज इक्वल टू 1 और नंबर इज इक्वल टू 10, ऑक्टल एरे में पोजिशन दी जो इक्वल है ऑक्टल डिजिट के और इफ स्टेटमेंट यूज़ की, काउंट एम परसेंट 3 इज इक्वल टू 0 कर लिया और ऑक्टल डिजिट हमने 0 कर लिया, आई इज इक्वल्स टू 0 और पोजिशन हमने प्लस इज इक्वल्स टू 1, काउंट भी हमने किया प्लस इज इक्वल्स टू 1 और फॉर लूप एक यूज़ की जिसमें जे एन रेंज है हमारे पास पोजिशन -1 -1 और प्रिंट हमने करवा दिया अपना ऑक्टल एरे जे और एंड कर लिया और बाइनरी डिजिट हमने दे दिया 1010 और कन्वर्ट कर लिया इसको बाइनरी में जिसमें हमारे पास जो कोड रन हुआ हमारे पास आंसर आ गया।